नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आपको पता है कि भाई पुष्कर मेला अपने चरम पर है और अभी धीरे धीरे ख़त्म होने पे भी आ रहा है। तो जैसे जैसे ख़त्म होने पे भी आता है तो सेल परचेज भी भाई बढ़ती जाती है ना। तो इस वीडियो में आप बहुत सारे लोग देख के थोड़े कन्फ्यूज भी हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जस्सा भाई से बबलू भाई ने ये घोड़ी खरीदी है जो हमारे सामने खड़ी हुई है। तो पहले तो बबलू भाई को और जस्सा भाई को दोनों को बधाई हो। बहुत बहुत बधाई दीप भाई, आपको भी और बबलू भाई को भी बहुत बधाई हो जी। तो जस्सा भाई, मैं चाहूँगा एक बार घोड़ी की डिटेल बताएं, क्या नाम है घोड़ी का? घोड़ी का नाम है जी गंगा। गंगा, हाँ जी। ये बच्ची है प्रदीप जी, अभी दो दांत से मतलब चार दांत की तैयारी कर रही है। अच्छा, दो दांत से चार दांत की तैयारी कर रही है। ये गैरी बाई के ब्रीड हुई थी। हाँ, ठीक है जी। ओके। अब, हाँ जी, तो अभी ये अपने कर्मदेव कालदेव से प्रेग्नेंट है जी। कालदेव, साढ़े नौ मंथ की। हाँ जी। और अगर इसकी माँ की बात करें? माँ इसकी गैरी बाई के पास ही है जी। गैरी बाई के पास। हाँ जी। हाँ, माँ किस लाइन की थी इसकी? माँ फूलमाल लाइन की थी। फूलमाल लाइन की। हाँ जी। बाकी उम्र में कितनी है ये जस्सा भाई? उम्र में यही देखो आप, सवा तीन साल लगभग। सवा तीन साल के। जी भाई। और हाइट में कितनी होगी? साढ़े बासठ है जी पक्की। साढ़े बासठ है। हाँ जी। और मार्किंग में? मार्किंग में ब्लेज है जी। ब्लेज है। हाँ जी। तो जस्सा भाई, आपने गैरी भाई से खरीदी थी या फिर आपके घर की होम ब्रीड है? नहीं, मैंने बच्चियाँ ली थी। अच्छा, बच्चियाँ ली थी। तीन बच्चियाँ ली थी एक साथ ही। कितनी कितनी उम्र की? ये मान के चलो यही कोई दो साल पहले ली थी। अच्छा, दो साल पहले। तो कैसे जस्सा भाई, डील कैसे बैठी फिर? डील भाई ऐसे है कि बबलू भाई ऐसे घूमते घूमते तो उधर पीछे भी आ गए, क्योंकि मैं तो सभी को कहता हूँ कि मंडी में आए तो सभी। आप पहले से जानते थे बबलू भाई को? नहीं जी, मैं पहले से देखो सोशल मीडिया की तरह तो जानते थे, लेकिन अपनी बात नहीं हुई थी कभी। अच्छा, मुलाकात कभी नहीं हुई जी। ये घूमते घूमते उधर आ गए तो मैं उधर बैठा था, जानवर देखने लगे तो मतलब बच्ची पसंद आ गई, तो फिर अपनी बात बन गई। बस पाँच दस मिनट लगे और सौदा हो गया जी। बात बनने में टाइम लगा के? नहीं, कोई बीच में है ही नहीं था जी। अगर कोई बीच में होते तो फिर टाइम लगता। तो जस्सा भाई, आपने गिफ्ट दिए पैसे में दिए? नहीं भाई, मैं तो गिफ्ट नहीं दे सकता, मैंने तो पैसे ही लिए अपने भाई। मेले में तो गिफ्ट दे रहे यार। अरे नहीं, इतने कैपेसिटी नहीं है कि गिफ्ट दे रहे, हमने तो पैसों से दिया भाई। वैसे गिफ्ट वाइफ्ट होता है कि नहीं होता घोड़ों में? नहीं, ले तो लेंगे लेकिन दिया नहीं कभी। तो बबलू भाई, गिफ्ट वाले तो भैया रस्सा भी उतार लेते हैं बाद में, वो बोलते पुराना डाल दो, गिफ्ट तो आपको मालूम ही है। तो फिर यार ऐसे क्यों बोलते पैसे देने के बाद में भी के यार गिफ्ट दिया यार? साल बाद पूछ लिया करो उनसे कि गिफ्ट कैसा रहा। फिर गाड़ी देते हुए नजर आते। हाँ, वो बड़ा महंगा पड़ता है भाई बाद में। हाँ जी। तो बबलू भाई, क्या कहना चाहोगे घोड़ी के बारे में, क्यों ली, क्या पसंद आया ऐसा आपको? बस प्रदीप भाई, घोड़ी का बोन साइज बहुत बढ़िया है, लेंथ बहुत अच्छी है, ब्लड लाइन से भी घोड़ी बहुत बढ़िया है। तो मैं अपने घोड़े से प्रेग्नेंट करवा के कोई रिजल्ट बढ़िया आए। अति सुंदर के लिए लिए? सुंदर के लिए लिए। बिल्कुल भाई, जस्सा भाई ने नाटक तो नहीं करा? ना ना प्रदीप भाई, जस्सा भाई बढ़िया इंसान है, और ना उन्होंने बाकी लोगों के जैसा मस्का मारा या कोई जबरदस्ती की, या हमको घोड़ी पसंद थी हमने निकल के देख ली भाई। बहुत सारे तो है ना फेविकॉल की तरह चिपक जाते हैं ना। ना ना प्रदीप भाई, हम तो बस बैठे बैठे चाय पीते पीते ही डील हो गई हमारी। चलो बहुत बढ़िया भाई। बबलू भाई, घोड़ी डायरेक्ट पुणे अभी? हाँ प्रदीप भाई, घोड़ी डायरेक्ट पुणे जाएगी अभी। घोड़ी अभी नौ साढ़े नौ महीने की प्रेग्नेंट है, अभी इसको लोड करवाएंगे एक दो एक दिन के बाद। बिल्कुल। तब तक हमारे महिपाल जी है, उनके फार्म पे रखेंगे दो तीन दिन के लिए। वैसे बबलू भाई, जब आए थे, जब सोच के आए थे कि मेरे को घोड़ी लेनी है, कि अचानक प्रोग्राम बन गया? बस बच्चे दिखाने के लिए आए थे लेके शो में, कि शो में डालेंगे, मगर घोड़ी देखते देखते ही पसंद आ गई तो ले ली। प्रदीप भाई मेला घूम रहे थे, घूमते घूमते घोड़ी पसंद आई तो ले ली। चलो बहुत बढ़िया। ओके, बधाई हो जस्सा भाई आपको फिर से, और बबलू भाई आपको भी बहुत बहुत बढ़िया। अब बिग ब्लास्ट हुआ या बिग डील हुई वो बाद में बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।